हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली जो है, लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि बिहार में बीएससी नर्सिंग का पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे। तो बिहार में पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं। आज ही 14 अगस्त को जो है फॉर्म एक्टिवेट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 14 अगस्त, आज फॉर्म एक्टिवेट हो गए हैं एंड कम्प्लीट डिटेल से मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाली हूँ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना क्या यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रहेगी। तो बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, कल वाली जो कि बिहार बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे थी। आज वाली जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है बिहार पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म पे। और ये जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके थ्रू जो है कम्प्लीट यहाँ पर बिहार में जो है पैरामेडिकल में एप्लीकेशन फॉर्म होने सॉरी एडमिशन होने वाला है। बात करेंगे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है एंड ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख लीजिए। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके अप्लाई करना है, दैट इज़ bcecboard.bihar.in। यहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना होगा पैरामेडिकल के लिए। 2021 के लिए अप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर पैरामेडिकल में भी इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, लाइक इंटरमीडिएट स्तर या फिर मैं बोलूँ कि मध्यम स्तर, या वो अलग अलग है। मैं आपको अभी जो है सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा आपको अगर चाहिए, डिग्री अलग चाहिए, तो उसके लिए अलग कोर्स होता है, आप सभी को पता होगा। तो उनके लिए, दोनों के लिए यहाँ पर जो है अलग से इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किए हैं। मतलब होगा तो यही, बट यहाँ पर जो है लाइक ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो चलो बात कर ले, सबसे पहले इन्होंने बता रखा है, सबसे पहले पॉलीटेक के फॉर्म यहाँ पर निकल गए हैं। अगर आप लोग पॉलीटेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टैग के इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। देन यहाँ पर इन्होंने जो है स्टार्ट किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पैरामेडिकल, जो कि इंटरमीडिएट स्तरीय रहने वाले हैं, इनको हम पीएमबी बोलेंगे। देन यहाँ पर मध्यम स्तरीय पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, जिनको हम पीपीएमबी बोलेंगे स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर आएंगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे पॉलीटेक्निक अभिमंत्री पाठ्यक्रम समूह, जिसको हम पीपीई भी बोलेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न हैं, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो कोर्सेस हैं उनके हिसाब से इनको नाम दिया गया है। पैरामेडिकल पीएम जो रहेगा, इंटरमीडिएट स्तरीय नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जो है। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रवेश परीक्षा है इसका यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं। चलो जान लेते हैं ऑफिशियल शेड्यूल क्या है। आप लोग ऑफिशियल शेड्यूल भी जा कर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, जो कि मैंने आप सभी को अभी बताया, दैट इज़ bcecboard.gov.in। वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, DCECE के लिए, ठीक है। यहाँ पर रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर प्रोग्राम्स, जैसे कि PEPEPMPPM, जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। उसके लिए आपको आवेदन करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाना होगा, DCECE के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप करना होगा, ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। देन आपको अपने अपलोड करने होंगे फोटोज एंड सिग्नेचर। देन आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है अपलोड करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार रिव्यू करना होगा। देन आपको लास्ट में पेमेंट कर देनी है। तो यही यहाँ पर कंप्लीट अपना प्रोसेस रहने वाला है, कितनी पेमेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर जो अपने रहने वाले जो अभ्यर्थी सामान्य, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, उन्हें जो है 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। जो किसी एक सामूहिक लाइक किसी एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको, ठीक है। एंड यहाँ पर जो PWD जो कैंडिडेट्स हैं, या फिर मैं बोलूँ जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है वो कैटेगरी, उनको 480 यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर दो के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 850 रुपये जनरल से एंड रिजर्व कैटेगरी से 530 रुपये आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। अगर आप लोग तीन यहाँ पर कोर्सेज के लिए, पाठ्यक्रमों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 950 रुपये आपको जनरल से, रिजर्व कैटेगरी से यहाँ आपको 630 देने पड़ेंगे। फोर के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो 1150 जनरल के लिए, रिजर्व के लिए रहने वाले हैं 750 रुपये, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको हार्ड कॉपी निकलवा लेनी एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि आपको जो है आगे काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है।
तो आप लोग जो है ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अंतिम जो यहाँ पर मौका रहने वाला है अप्लाई करने का, वो अपना रहने वाला है नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख को, ठीक है, 8 सितंबर तक आप लोग एडिट करने का आपको मौका दिया जाएगा। तो चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या यहाँ पर शेड्यूल है। अप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएंगे, आज 14 अगस्त, अप्लीकेशन फॉर्म आज स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ की 4 को, यहाँ पर 4 सितंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। आपको लास्ट डेट होगी चलान के लिए अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बैंकिंग हावर्स में 6 यहाँ पर आपको सितंबर तक दिया जाएगा। पेमेंट वगैरह के लिए डेबिट क्रेडिट से आप लोग कर सकते हैं 7 सितंबर तक। एंड यहाँ पर ऑनलाइन एडिटिंग 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक आप लोग जो है कर सकते हैं। तो आयु सीमा कितनी रहने वाली, तो जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग कोर्स है, तो पीई के लिए जो यहाँ पर अपनी रहने वाली कोई भी यहाँ पर एज लिमिट नहीं है। देन यहाँ पर बात करें पीपीई के लिए, यहाँ पर 19 वर्ष होने चाहिए, पीपीएम के लिए 15 वर्ष होने चाहिए और पीएम के लिए 17 ईयर्स यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर एज यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये हमने कंप्लीट जान लिया। आई थिंक आप सभी को बिहार पैरामेडिकल के कोर्सेज के बारे में पता लग गया होगा कैसे आपको अप्लाई करना है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।